इनके मार्ग पर परमात्मा हमेशा आगे बढ़ाता रहे और व्यासपीठ के माध्यम से ये हमारे मनोज शास्त्री हैं, ये मनीष शास्त्री जो हमारे शिष्य के शिष्य रहे हैं उनके भी शिष्य हैं ये, तो कुनबहु बहुत बड़ो बहु जात हो। पर इन दोनों बच्चों से एक बात कहना है हमारी तरफ से, गुरु बनाना सरल है, शिष्य बनना कठिन है। और यही बात उधर से है, चेला बनाना भी सरल है, गुरु का पद निभाना भी कठिन है। क्यों? ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में, उत्तरकांड में लिखा है कि अगर चेला बनाते हो शिष्य बनाते हो तो एक काम करना होगा तुम्हें। कौन सा? हरे शिष्य धना सो कना हरई, सौ रुपए की हार माला से सम्मानित किया है श्रीमान राम खिलाड़ी सिंह यादव मोतीपुर से, इनकी तरफ से सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। अब इनते तो लला सर्वेशम कछु कहतना है, मैंने कबू ही ना कही इनते तो कछु, अब बे आंगे कल तब देखी जा भाई। तो सुनो, हरे शिष्य धन, चेला पे तो धन तो खेचे, सोकन हरई, शिष्य के दुख का निवारण ना करे ऐसा गुरु नरक का गांव होता है। श्रोता बंधु, आज जिस समय भोलेनाथ को कष्ट हुआ है, रो गए थे, सुनो सभी माता बहने बात करना बंद कर दो, जो माया से बिल्कुल परे थे वो भी रो गए पत्नी के लिए। जिस समय काया भस्म हो गई थी सती की, तब कही के कछु कही गई है, हमारा दो शब्द तो हमने सुने हैं। दक्ष महाराज से कहा कि तुम्हारा अंग भंग होगा और तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा। उसी समय क्रोध आया है शिवजी को, और जब क्रोध आया है तो कर्म क्या करते थे? अरे जब बैठी कहे अपने
श्रोता बंधु, जिस समय वीरभद्र को आदेश किया है कि जाओ यज्ञ विध्वंस कर देना और अंग भंग कर देना, शीश काट फेंक देना, वीरभद्र महान क्रोध में गया। जहां राजा दक्ष का यज्ञ चल रहा था, सब देवता अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। सबसे पहले दरवाजे पर दो पहरेदार बैठे थे, पहरेदार थे यज्ञ के। वो पहरेदार कौन से थे? एक तरफ बैठे थे भृगु महात्मा और एक तरफ बैठा था पूसा। ये दोनों रखवारी बन के रहे थे। सो वीरभद्र ने विचार करो कि पहले नंबर यहीं पे लगा दूं, बदलो तो पटानो ही है। सो एक तरफ भृगु महात्मा बैठे थे, ध्यान रखना अपने स्वामी का बदला पटाया तो किस तरह पटाया, कैसे? अरे वीरभद्र जब जाई रहो यार मन में है गौराजी है, बोला संजय शास्त्री नहीं आ जाओ माई जोर बैठे। अरे वीरभद्र जब जाई रहो मन में है गौराजी है, पलक खोल के देख ला महात्मा बैठे थे, काम क्या किया? अरे भृगु महात्मा देख लगे तू नजर आई रही, शिवजी के छत्री ने मन में उमड़ आई रही। एक कोन पे भृगु महात्मा बैठे, तो जे हमारे लोकेंद्र शास्त्री ना कत्तबे न्यू करके बड़ा बड़ी आंखें कर देते गए, जो कही गए आंख खोल के गए चिकु आए तो वीर भद्रमा को कत्ते याद है, तो दो उंगलियां सूदी करके आंख बंद कर दी। बोल नहीं भोरी क्यों, आंखें क्यों भोरी? क्या जिस दिन राजा दक्ष ने भोलेनाथ को साफ दिया था बड़ा अधिकार दक्ष पावा, तो जे भृगु महात्मा भोय चला गए के जे सबक उठ उठ के ठाणे है गए, तो जाई को काबी करो जा रहो। जो भोय चलाई वो पदला आज बता दिया, मेरे स्वामी को देख करके, मेरे स्वामी का अपमान देख करके, और तुमने भोय का चलाई में दोनों आंख ही बन इतना बैठो पूछा तुझे द्वार पर नजर करी भूसा है। मारो तो 32 दांत बाहर, क्यों? कि जिस दिन शिव जी का निरादर हो गया था, तो जब पूसा ताली बजा के 32 दांतन ते हंसो खूब जोरते,